भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी दावा करे, ये बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नतीजे का विश्लेषण करके सच्चाई नहीं समझ रहा है। मोकामा की जीत सीधी जीत है और गोपालगंज की जीत मैनिपुलेटेड जीत है। उसमें भी कोई थर्ड फोर्थ प्लेयर खड़ा करके वो एक तरह से साजिश की जीत है, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है। और अगर इस नतीजे को सीधे तौर पर भी ले ले कि जो स्थिति थी वही रह गई, तो भविष्य तो वही दिखता है ना कि जो अभी स्थिति है वही रह जाएगी। और अगर समझ लीजिए कि 2025 में भी जो स्थिति है वही रह जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये कौन नहीं देख समझ रहा है। तो भाजपा तो जानबूझ के अपने हिचक छिपाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और कुर्नी में भी जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा जीतेगा, इसलिए इन नतीजों से कम एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन का जो गठन हुआ है, जो हम लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ के नया गठबंधन बनाया है, इसका अनुमोदन बिहार की जनता ने कर दिया है। पर आसन मांगकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जनता ने खुश किया मोकामा और एक एक सीट दे के, तो कुढ़नी कौन जीतेगा? मोकामा तो गलती से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़े थे। कुढ़नी हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो दावेदारी करते थे कि हमारे साथ वोट है, वो आरजेडी के साथ मतदान करने के लिए तैयार नहीं और मतदान नहीं कर रहा, इसीलिए मोकामा में भी उनके प्रतिशत गिरे थे और गोपालगंज में भी चुनाव हारे हैं। दोनों के प्रतिशत दोनों पार्टियों को, और तो 7 पार्टियों का, लेकिन पहले 2 पार्टियों का प्रतिशत मिला दें तो वोट का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। और वोट नहीं पड़ना, कम वोट पड़ना, इसका मतलब कि नीतीश कुमार का वोट हमारे साथ रह गया और जो माइनॉरिटी का वोट था आरजेडी के साथ, वह भी इनसे अब विक्षुब्ध होकर अलग रास्ता तलाश रहा। सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रति आम जनों का विश्वास और मजबूत हुआ है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जिस तरह से युवाओं को रोजगार देना शुरू किया है, जिस तरह से जन सरकार के मुद्दे पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से हर क्षेत्रों में समेकित विकास किया जा रहा है, उसके प्रति आम जन महागठबंधन के प्रति आकर्षित है और आने वाले समय में महागठबंधन के प्रति विश्वास और समर्थन और मजबूत होगा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बिहार से सत्ता से बेदखल किया गया है, आने वाले समय में केंद्र से भी सत्ता से बेदखल करने के अभियान में हम सफल होंगे। जो बिहार से राजनीतिक संदेश जाता है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है।